नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। भारतीय आजाद मंच ने निकाली तिरंगा यात्रा। कानपुर आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय आजाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर मिश्रा अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर रही पानी की टंकी से बर्रा बाईपास तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। रविवार को निकाली गई उक्त यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक पांडेय ने हॉन्थो में तिरंगा झंडा लेकर पद यात्रा कर लोगों को बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। राष्ट्रीय झंडे हम सभी के लिए स्वाभिमान व शान का प्रतीक है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक पांडेय, जिलाध्यक्ष पंकज तोमर, गौरव यादव, प्रदेश मंत्री अखिलेश साहू, अभिषेक पांडेय, रवि शुक्ल, शेखर पांडेय, पीयूष मिश्रा, रत्नेश अमरदीप, सुरेश साहू, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बबली द्विवेदी, उमा तिवारी, रेणु शर्मा, उमा तिवारी, हिमलता साहू, संतोषी देवी, प्रदीप जायसवाल, पानुली देवी, सुधा विश्वकर्मा, नीतू कनौजिया, शालू जायसवाल, कामिनी जायसवाल, अंकिता दुबे, कामिनी जायसवाल बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रहे। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। जो आपने तिरंगा रैली निकाली, इसका क्या उद्देश्य है? ये तिरंगा रैली भारत के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर मिश्रा जी की अगुवाई में कर रही पानी की टंकी से होते हुए मेजर शहीद कीर्ति वीर चक्र सम्मानित मेजर अविनाश सिंह भदौरिया जी की प्रतिमा पर समापन हुआ। इसका उद्देश्य देश में तिरंगे की शान पान और स्वाभिमान को बढ़ाना है। हमारा सभी लोगों का ये दायित्व है कि जिन लोगों ने तिरंगा की शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों को निछावर के इस माँ भारती के चरणों पर हम सभी लोग उनको याद कर इस अमृत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।